वैसे तो आए दिन बिजली विभाग की लापरवाही की बातें सामने आती ही रहती हैं, लेकिन वहीं आज असोहा थाना अंतर्गत दरसवा में बिजली पावर हाउस के अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही ने हंसते मुस्कुराते परिवार के इकलौते चिराग को बुझा दिया। आपको बता दें कि असोहा थाना क्षेत्र के दरसवा में बने विद्युत पावर हाउस में संविदा कर्मचारी पंकज यादव पुत्र राम बहादुर लाइनमैन के पद कार्यरत थे। पावर हाउस में 33,000 लाइन में आई कुछ तकनीकी फॉल्ट को ठीक करने के लिए पंकज यादव ने जैसे ही ब्रेकर कट करने की कोशिश की और तुरंत ही भयानक झटका लग गया। हालत गंभीर देख मौजूद सहकर्मी CSC पुरवा लाए, लेकिन उसके पहले ही उनकी मौत हो चुकी। मौत की खबर सुनते ही गुस्साए परिजनों एवं सात कर्मचारियों ने उन्नाव मोरावा मार्ग पर सरकारी अस्पताल के सामने शव रख कर लगभग 3 घंटे तक रोड जाम करते हुए धरना प्रदर्शन किया। तत्पश्चात मौके पर आए पुरवा के पूर्व विधायक उदयराज यादव ने मृतक पंकज यादव के परिजनों और बिजली विभाग के अधिकारियों से मुआवजे की बात करके पुलिस की मदद से जाम खुलवाकर आवागमन चालू करवाया और सबका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि मृतक पंकज यादव की उम्र लगभग अभी 19 वर्ष ही थी। एक छोटी बहन और माता पिता के साथ परिवार को चलाता था। पंकज के पिता विकलांग है। पंकज ही घर का चिराग था जो सदा के लिए बुझ गया। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। इसी से आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर रोड पर जाम करके धरना प्रदर्शन किया है। वहीं बिजली विभाग के 1,00,000 रुपए की नगद चेक भुगतान और 4,00,000 रुपए का मुआवजा 1.5 महीने के अंदर देने का आश्वासन दिया है। उसको करें जो करना है, उसको निश्चय करें। आए अधिकारी क्यों नहीं आ रहे हैं? इनको आना चाहिए। ये क्या समझते हैं अपने आप को? इनको आना चाहिए, क्यों नहीं आते हैं? इनका कुछ कराएं, इनका क्या करें? अकेला लड़का चिराग बुझ गया, क्या करेंगे ये? माता पिता इनके क्या करेंगे? हमको आप बताइए सब लोग। माता पिता तो लाइनमैन है दरसवा पावर हाउस में। क्या नाम इसका? पंकज यादव। और ये पावर हाउस में कोई सुविधा न होने के कारण इसकी डेथ हो गई। 33,000 ब्रेकर काटने में इसकी डेथ हो गई। किस पावर हाउस में था? दरसवा पावर हाउस में। लाइनमैन था पंकज यादव। कैसे क्या हुआ मामला पूरा बताएं। ये ब्रेकर काटने के लिए कहा गया और ये काटने चला गया और वहीं पे चिपक गया। ये कितनी टाइम मामला है? ये सुबह 9 बजे के समथिंग 9:30 बजे हुआ है। कोई अधिकारी अब तक पहुंचा है? कोई अधिकारी नहीं आया है। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन कह रहा है कि ये जुलूस अभी निकलना है, जुलूस आ रहा है। ये बताइए जुलूस जरूरी है कि ये जरूरी है? मिट्टी की कोई फिक्र नहीं प्रशासन को। और ना ही सैलरी आज तक मिली है किसी, मेरे विभाग में किसी दी गई है, ना ही कोई सामान अवेलेबल कराया गया है मेरे यहाँ। और ये हादसा हो गया है, कोई SDO एक्शन यही बैठा है पुरवा में लेकिन देखने नहीं आया है। लाइन तो नहीं बंद की जा रही? ना लाइन बंद की जा रही, ना कोई पावर हाउस बंद किया जा रहा है। ये हुआ है और घर का इकलौता लड़का था ये। पुलिस वाले ज्यादा पर पुलिस वाले कह रहे हैं जुलूस आ रहा है। ये बताइए कहाँ का रहने वाला था ये? ये सौसिन खेड़ा दरसवा पावर हाउस के बाजू में इसका गांव था। है कि इसकी मां की वारिस के नाम से 1,00,000 की चेक आज ही अभी मिल जाएगी। नंबर है अभी मिल जाएगी। एक काम, दूसरा काम, इसका आधार कार्ड, इसकी मां का आधार कार्ड, एक प्रधान का प्रमाण पत्र के साथ में सब कुछ देंगे इनको, उसको भर करके तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी। वो उसके बाद फिर इनको बाकी के जो 5,00,000 रुपए वाला है उसकी कार्रवाई कम्प्लीट करा देंगे। 4,00,000 जो पीएम योजना से मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जो ठेकेदार ने बीमा करवा रखा है वो भी मिलेगा ही मिलेगा। बस ये बात है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आप एक काम करा दीजिए, पावर हाउस की जो सुविधाएं नाम है इसका, पंकज कुमार नाम है, जीत बहादुर। ये मेरी मौसी का लड़का है, सुसिन खेड़ा गाँव रहने वाला है, मेरी मौसी का लड़का है। ये बिजली में डेट हो गई है, यहाँ से लेके यहाँ से रोड पे जाम रखे, पुलिस वाले बता रहे हैं इसको हटाओ, जुलूस आ रहा है। अभी तक यहाँ बिजली विभाग का न पुलिस का कोई कुछ नहीं कर रहा। क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? जो जाम लगा है क्या मांग करना चाहते हैं? जाम में उसकी मुआवजा दिया जाए बच्चे के लिए, उसके कर्मचारी DGO साहब है, इसकी बहन है, माँ कैसे कमा खाएगी? बाप पागल है, वो भी नहीं घर पे रहता है। ये अकेला बच्चा कमाने वाला था, इसके लिए कोई आता नहीं। सुना पुलिस हमको बताया इसको लाश हटाओ किनारे करो, इसके लिए कोई कुछ नहीं, कोई अधिकारी नहीं पा रहा है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, उन्नाव। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा जनपद को अपराध मुक्त किए जाने के संबंध में चलाए जा रहे वाहन चोरी की गिरफ्तारी, चोरी किए गए वाहन बरामदगी के संबंध में अभियान चलाकर क्षेत्र अधिकारी रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में शुक्रवार को दीदारगंज थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह अपने हमराही पुलिस बल के साथ दीदारगंज चौराहे पर उप निरीक्षक हैदर रिजवी, अखिलेश चंद्र पांडे, राजेश मौर्य, जावेद अख्तर व अन्य सिपाहियों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की 3 मोटरसाइकिल पर 5 वाहन चोर कुशलगांव से प्लेस की तरफ जा रहे हैं।
सूचना पर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह पूरे दलबल के साथ पुलिस तिराहे पर पहुंचकर चोरों के आने का इंतजार करने लगा। तभी तीन गाड़ी पर पास सवार चोरों की गाड़ी आती दिखाई दी। मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त कमलेश कुमार पुत्र हरिराम ग्राम ईसापुर थाना फूलपुर आजमगढ़, संदीप कुमार पुत्र भास्कर चंद्र ग्राम भदेला थाना खेतासराय जनपद जौनपुर, हेमंत यादव पुत्र राम अवतार यादव ग्राम अहिरपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को तीन आदत चोरी की मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया गया है। अभियुक्त की तलाशी लेने पर कमलेश के पास से एक आदत तमंचा देसी 315 बोर व दो आदत कारतूस 315 बोर अवैध बरामद हुए हैं तथा दो बदमाश मौके से अंधेरे व खड़ी फसलों का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले हैं, जिनका नाम गिरफ्तार अभियुक्तों ने सोनूपुर रामधनी निवासी पुपुर थाना खेतासराय जनपद जौनपुर, विजय निवासी ग्राम कोहड़ा थाना पवई जनपद आजमगढ़ का होना बताया। गिरफ्तार किए गए चोरों को कड़ाई से पूछने पर पता लगा कि कमलेश कुमार के घर में चोरी की चार मोटरसाइकिल रखी हैं, जिन्हें अभियुक्त के साथ ले जाकर बरामद की गई। और गिरफ्तार हेमंत यादव ने बताया कि पलथी बाजार स्थित पंचर की दुकान में चोरी की दो मोटरसाइकिल रखी गई हैं, जिन्हें हमराही पुलिस बल व अभियुक्त के साथ जाकर बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस कर्मियों में थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह, SI हैदर रिजवी, अखिलेश चंद पांडे, राजेश मौर्य, जावेद अख्तर, हेड कांस्टेबल अरुण कुमार चौबे, कांस्टेबल अनूप कुमार, कांस्टेबल रिंकू कनौजिया आदि लोग शामिल। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रामायण सिंह की रिपोर्ट, आजमगढ़। फूलपुर तहसील क्षेत्र के पलथी बाजार स्थित प्राथमिक विद्यालय पर शनिवार को नव उत्कर्ष सेवा समिति पलथी के द्वारा गांव के 56 मेधावी छात्र और छात्राओं जो हाई स्कूल की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुए थे, उन्हें बाबा गौरीदास प्रोत्साहन पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन कर पहला, दूसरा और तीसरा को क्रमशः 5,000, 3,000, 2,000 के साथ प्रशस्ति पत्र, सील व डिक्शनरी देकर उत्साह वर्धन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर प्रेमचंद चित्रवंशी, सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, यमुना प्रसाद तिवारी एवं राम पलट यादव ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम का आयोजन पलथी गांव के मेधावी छात्र इंजीनियर रहे इंद्रेश यादव व वीरेंद्र कुमार यादव की प्रेरणा से बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया, जिसमें गांव के मेधावी 56 छात्र छात्राओं को पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर उत्साह वर्धन किया गया। मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से ग्रामीण नव युवाओं को एक विशेष प्रेरणा मिलती है और उनमें एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। कार्यक्रम का संचालन प्रचार डॉक्टर राजेश रंजन एवं जितेंद्र कुमार मिश्रा ने किया। अंत में आयोजनकर्ता इंद्रेश यादव व डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने उपस्थिति सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह का कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष करते रहेंगे। इस अवसर पर अनिल यादव, अजय यादव, जय यादव, उजागर यादव, जय बदन मौर्य, बजरंगी यादव, महेंद्र दुबे, हरीश चंद्र यादव आदि लोग उपस्थित रहे। हम आपको बता रहे हैं, आपने हमसे कहा था कि बच्चा तो मेरा 5 साल का अपना था, इसके बाद तो आपका हो गया है, हम चाहेंगे क्या भी मत करें। इतना तो हमको याद है, इतना तो हमको याद है, पूरे मंच में मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने जो कहा है सही समय का मैं इंतजार करता हूँ, सही समय पर भुगतान करने की कोशिश करता हूँ। आइए आप ऊपर चले। अच्छा नहीं, मेरे हेमंत फोटो खींचो, एक ऐसी फोटो खींचो बेटा, एक फ्लैट लागत अन्य खाते तो क्या द्रोह मंगवानी तो है दौर। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रामायण सिंह की रिपोर्ट, आजमगढ़। लालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रनगांव निवासिनी प्रार्थनी मालती देवी ने आज थाना दिवस के मौके पर उपजिलाधिकारी लालगंज जीतलाल सेनी को एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें आरोप लगाया कि ग्राम सभा में हुए विधि विरुद्ध भूमि आवंटन के विरुद्ध प्रार्थनी द्वारा वाद राम भरोसे आदि बनाम ग्राम सभा आदि व अन्य अपर आयुक्त महोदय लखनऊ मंडल लखनऊ के न्यायालय में दाखिल किया गया। प्रार्थनी उपरोक्त वाद में अपर आयुक्त प्रशासन लखनऊ मंडल लखनऊ द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2013 को अपर कलेक्ट्रेट रायबरेली के आदेश 26 सितंबर 2007 को निरस्त करते हुए वाद को रिमांड कर दिया गया था तथा न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय प्रशासन रायबरेली ने उक्त वाद में स्थगन आदेश दिनांक 24 अक्टूबर 2017 को पारित कर दिया। पारित आदेश की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रतिपक्षी गण धर्मेंद्र सिंह पुत्र राम स्वरूप सिंह, जितेंद्र सिंह पुत्र राम स्वरूप सिंह व कमल किशोर सिंह पुत्र जगदेव सिंह आवंटित तिथि के पश्चात आज दिनांक 7 सितंबर 2019 को विवादित भूमि पर JCB मशीन व ट्रैक्टर लाकर
विवादित भूमि की खुदाई करके भूमि की शक्ल को परिवर्तित कर रहे हैं, जिससे विवादित भूमि की पहचान ना हो सके और विचाराधीन वाद उपरोक्त की स्थिति बदल जाए, जो कि कानून की मंशा के विरुद्ध कार्य है। इसे रोक कर व आरोपियों पर नियमानुसार कार्यवाही कर प्रार्थनी को अपूर्ण क्षति होने से बचाने की कृपा करें। शिकायती पत्र प्राप्त होते ही उप जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम विवादित भूमि पर कार्य रुकवा कर कोतवाल लालगंज विनोद कुमार सिंह व हल्का लेखपाल हरिओम त्रिपाठी को मामले की जाँच कर कार्रवाई करने को कहा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राजेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट, रायबरेली। एक तरफ जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री जी पत्रकारों के साथ हो रही अभद्रता व उन पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर सख्त कानून बना रही है, जहां प्रदेश के शासन प्रशासन पत्रकारों की मदद को लेकर प्रतिदिन एडवाइजरी जारी करती है, वहीं आजमगढ़ जिले के फूलपुर सीओ रविशंकर प्रसाद व कोतवाल शिव शंकर सिंह ने मुख्यमंत्री जी के मंशा पर पानी फेर दिया है। आपको बताते चले कि 6 सितंबर को सुबह लगभग 8 बजे प्राथमिक विद्यालय फूलपुर में अध्यापकों द्वारा बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही थी, तभी पत्रकार संतोष जायसवाल ने जाकर बच्चों की फोटो निकालने लगे। तभी अध्यापक राधेश्याम यादव, जीरू लहक व संतोष यादव ने दबंग लोगों के साथ जाकर पत्रकार संतोष जायसवाल से अभद्रता करने लगे और मारने के लिए दौड़े, जिस पर संतोष जायसवाल ने डायल 100 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी, जहां पुलिस ने घटना को संज्ञान में लेते हुए कहा कि आप थाने चलकर कोतवाल साहब से कहिए। वहीं जब पत्रकार संतोष जायसवाल थाने पहुंचे तो तब तक पुलिस व सीओ ने अध्यापकों से साठगांठ कर आनन फानन में उल्टा संगीन धाराओं में पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। वहीं पत्रकार के संग अभद्रता करने व फर्जी मुकदमा लिख जेल भेजने की घटना भारतीय पत्रकार संगठन के संरक्षक ब्रजेश सिंह को हुई और इस प्रकार पत्रकारों के साथ पुलिस की इस नापाक हरकत पर नाराजगी जाहिर और क्षेत्र के सभी पत्रकारों संग तहसील फूलपुर पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और उच्च अधिकारियों द्वारा संपूर्ण घटना की निष्पक्ष जाँच कराने व दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग। वहीं उप जिलाधिकारी श्री बागेश शुक्ला जी ने आश्वासन दिया कि घटना की निष्पक्षता से जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी, चाहे विद्यालय के अध्यापक हो या सीओ व या कोतवाल हो। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राजेश सिंह की रिपोर्ट, आजमगढ़। गल सही सीधी सराय में अल अकबर रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन मुरादाबाद जनाब हाजी इकराम कुरैसी साहब के दोनों साहबजादे युवा नेता व समाज सेवी हाजी जुनैद इकराम व हाजी उबैद इकराम साहब ने किया। उद्घाटन में रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर मोहम्मद अकबर व अलीम खान ने सभी मौजूद लोगों को शुक्रिया अदा किया। वहीं देर रात को जिले के मशहूर डॉक्टर मंजेश राठी भी अल अकबर चिकन तासले का जायका लेने पहुंचे। होटल के प्रोप्राइटर अकबर खान व अलीम खान को बधाई दी गई। उद्घाटन में उबैद बाबूजी, सुल्तान खान, तौहिद सुल्तान, आतिफ सुल्तान, हसीब अली, तंजील अब्बास, जिशान अहमद अंसारी, करीम खान व गणमान लोग काफी तादाद में मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सलमान की रिपोर्ट, मुरादाबाद। मथुरा सुरीर में बीते 28 अगस्त को थाना परिसर में आत्मदाह करने वाले दंपति जोगेंद्र व चंद्रवती को पुलिस ने बेहतर उपचार के लिए दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसमें 1 सितंबर को जोगेंद्र की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। वहीं शनिवार सुबह अग्नि पीड़िता चंद्रवती की दिल्ली सफदरगंज हॉस्पिटल में मौत हो गई। सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। चंद्रवती की मौत की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हर गतिविधि पर नजर तेज कर दी गई है। वहीं परिजन गुड्डू ठाकुर का कहना है कि प्रशासन ने अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम लोग सबको थाने पर ही रख देंगे और आंदोलन करेंगे, मगर प्रशासन और कस्बे से सुरीर में पुलिस प्रशासन ओर से कस्बा सुरीर में पुलिस प्रशासन लगा दिया है और फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू है। कहाँ के रहने वाले? मैं सुरीर कला का रहने वाला हूँ और जुगंदर का चाचा भी हूँ, परिवार। अब चंद्रवती जी की कैसी स्थिति बताइए? चंद्रवती खत्म हो चुकी है रात 11 बजे। जी, मुझे पता लगा 11 बजे कि चंद्रवती खत्म हो गई। जी, अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांगे यही हैं शासन से, प्रशासन से, सरकार से, कि हमारे यहाँ पर मथुरा में 4 बीजेपी के एमपी एमएलए हैं, 1 एमपी भी हैं, 2 मंत्री भी हैं। उन्होंने आके गरीब परिवार को किसी भी राजनेता ने या मुख्यमंत्री ने किसी ने ढांढस नहीं बनाया कि बेटा हम तेरा सहयोग देंगे, करेंगे। जी, अब दूसरे प्रकरण में पहले जोगिंदर जी, अब उनकी पत्नी, अब अगर ऐसे में अगर आप कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हुई, अगर आपकी अब भी सुनवाई नहीं होती आप क्या करेंगे? क्षेत्रीय जनता करेगी फैसला है? समाज लेगी फैसला, क्या जनता नहीं है? है? समाज नहीं है? है आप लोग ये खड़े हैं, ये लोग ये सब समाज के ही हैं। मैंने गाँवों में गया, मैंने कहा भाई गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, सब दुनिया की सरदारी किल्ला रही है। जहाँ जिसने सुना है, जहाँ भी वीडियो वायरल हुआ वहाँ तक यही आवाज़ आई कि जुगंदर के साथ में प्रशासन
अन्याय हुआ। जैसे पहले आपका, पहले भी जोगेंद्र जी का सब आया, भीड़ भाड़ थी काफ़ी, अब जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ पहले कोई आश्वासन नहीं दिया, आश्वासन दिया था लेकिन मांगे पूरी नहीं, अब क्या करेंगे आप? अब ये हम करेंगे, थाने के गार्ड रख के बॉडी को बैठेंगे, जैसे महात्मा गांधी ने किया था वैसा ही हम करेंगे शांति से। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई? नहीं, मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम बॉडी में नहीं संस्कार नहीं करेंगे, चाहे हमसे प्रशासन कितना भी दिखरा करें, ये लगा दें खुद ले जाके बॉडी को जला दें, पर हम नहीं जलाएंगे। क्या क्या मांगे आपकी मुख्यतः? मुख्यतः मांग है, सबसे पहले मांग है मेरी, उसके बेटे को नौकरी मिलनी चाहिए सरकारी। मैं डीएम साहब के पास गया था मथुरा जी, मुझे कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला। आज उसको एक तारीख का ख़त्म हुआ, 7 तारीख का, 6 दिन हो गए आज उसको, 7 दिन अटकाएं, आज तक मेरे पास कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ विकास खंड मार्टिनगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोनहरा सैयद बहाउद्दीनपुर में लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनता प्रधानपति ग्राम पंचायत अधिकारी लेखपाल मौजूद रहे। ग्राम प्रधानपति रणविजय यादव ने बताया, खुले में बैठक कर जनता को सारी जन कल्याण योजना को बताया जाता है, जैसे निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री योजना, कृषि भूमि की वरासत, राशन कार्ड, जब कार्ड, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सबके बारे में बताया जाता है। प्रधानपति ने बताया कि बिना सेवा शुल्क के सब काम निस्वार्थ किया जा रहा है। विनोद सरोज, ग्राम पंचायत अधिकारी, सभी योजनाएं के बारे में बताए, जनता काफी संतुष्ट दिखी। शिविर का आयोजन खुली बैठक की है, इसमें जनता को क्या क्या बात दिया जाए? जनता को सरकार ने जो जो दिया है, योजनाएं चल रही है, वो सारा लाभ जनता को दिया गया है। अधिकारियों द्वारा जो जानकारी नहीं थी वो बताई गई है, जनता भी संतुष्ट है। अब बाकी सरकार जैसा करे, आवेदन मांगा गया है, आवेदन है लगभग कितने हैं? 25-30 हुए हैं, 25-30 यहाँ पे हो गए हैं। खुली बैठक हर साल होती है? हर साल होती नहीं, अभी ये तो साल लोक कल्याणकारी शिविर था। अच्छा, लोक कल्याणकारी और ग्राम पंचायत की खुली बैठक वो हर साल होती है। ठीक, धन्यवाद। मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित थे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रामायण सिंह की रिपोर्ट, आजमगढ़। CDPO डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने क्षेत्र के आधा दर्जन आंगनबाड़ी केंद्रों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। इस मौके पर कोई भी आंगनबाड़ी वर्कर नहीं मिली और कुछ केंद्रों पर करीब 1 साल से आंगनबाड़ी वर्कर नहीं पहुंची, और वहां पर मौजूद ग्रामीणों से जब CDPO ने पूछा तो उन्होंने बताया, कभी कभार आती है और 5 महीनों से गर्भवती महिला और बच्चों को पुष्ट आहार नहीं मिला, जिससे केंद्रों पर खुद CDPO केंद्र के पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर बताया, आप लोग गर्भवती महिलाओं को बुला लो। जब गर्भवती महिलाएं पहुंची तो उन महिलाओं को स्वयं CDPO ने हार वितरण किया। सभी आंगनबाड़ी वर्कर से जवाब मांगा गया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए शिवम की रिपोर्ट, मोहम्मदी खीरी। विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने सरेनी में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, उसी को लेकर आज कुछ अजीब बातें सामने आ रही हैं। लोगों के अनुसार ADO पंचायत बुद्धराम व ADO ग्राम समाज अवनीश को विधायक के समर्थक उनके कार्यालय से जबरन गाड़ी में भर लाए। गौरतलब है कि विधायक ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, लेकिन उनके समर्थकों ने खुद ही एक नई समस्या खड़ी कर दी। जनता दरबार में ADO पंचायत और ADO ग्राम समाज को बुलाया गया क्योंकि वहां काफी समस्याएं इनसे संबंधित, लेकिन विधायक के बुलावे को नजरअंदाज कर दिया गया, जिस पर विधायक के समर्थक गुस्सा गए और जब रन गाड़ी में उठाकर उन्हें ले आए। इसको लेकर आज ब्लॉक में धरने पर बैठे हैं ये लोग। इन सब से बातचीत की गई तो पता चला कि इनका कहना है कि हमारे साथ पूरे जिला के ब्लॉक कर्मी हैं, अगर हमारी नहीं सुनी गई तो कलम बंद हड़ताल करेंगे। प्रभारी ADO पंचायत सरेनी के रूप में तैनात हूँ। विकास खंड सरेनी में स्थानीय विधायक के कुछ गुंडे यहाँ पर आए और हमारे ADO समाज कल्याण के साथ मारपीट किए, गाली गलौज किए, दहशत का माहौल बना दिए। जब उनको अपनी गाड़ी में खींच कर बैठा लिए तब यहाँ मेरे कार्यालय आए, पूछा पंचायत कार्यालय कौन है, यहाँ पर मेरे साथ आए, मेरे साथ हुई मारपीट किए, मुझको भी जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिए। उनके साथ एक हमारे ही यहाँ स्थानीय थाने के SI श्री हरिश्चंद्र जी मौके मौजूद थे। जब मैंने उनसे कहा कि यहाँ के स्थानीय SI श्री हरिश्चंद्र जी यादव जी मौजूद थे, जब उनसे मैंने कहा कि आपके सामने ऐसी घटना घट रही है, आप क्या कर रहे हैं, तब उन्होंने थोड़ा बहुत मुझसे बीच बचाव किया और गाड़ी में बैठा लीजिएगा और विधायक जी के पास ले जाया गया कार्यालय में। हम इस घटना को विधायक जी से बताना चाहे तो विधायक जी ने हमको डांट कर बैठा दिया और हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। कहा जिससे जो तुम्हें कहना हो DMSS अपना कर दीजिए, मुझे कोई डर नहीं। नहीं चलेगा, नहीं होगा, नहीं होगा।
टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए करण सिंह की रिपोर्ट रायबरेली।